नमस्कार, जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। लॉकडाऊन नंतर तब्बल 45 दिवसानंतर दारू दुकाने चालू करण्यात आली। दारू खरेदीसाठी लांबच्या लांब रांगा लागणार हे सांगण्यासाठी कुठल्या ज्योतिषाची गरज लागणार नाही। काही ठिकाणी सोशल डिस्टन्सचे पालन करण्यात आले आहे, तर काही ठिकाणी सोशल डिस्टन्सच्या धज्जिया उडवण्यात आल्या आहेत। त्या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी राजकुमार विश्वकर्मा यांच्याकडून जैसा कि हमने कल बताया था, जिस तरह से पूरे मुंबई शहर के अंदर वाइन शॉप के बाहर जो लंबी कतार है वो देखने को मिल रही है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बाकायदा इंतजाम किया जा रहा है। और खुद मैं देख रहा हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं साकी नाका मेट्रो जंक्शन नीचे, यहाँ पर ओनर खुद यहाँ पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। सदन शेट्टी जी बताइए। सदन शेट्टी जी, बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल खुद कर रहे हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ इस बिक्री केंद्र में? हम लोग करीब 6 हैं, क्योंकि बोला गया था तो वही सबसे हम लोग पालन करते हैं। दूर कल जो पब्लिक दारू नहीं मिल रहा है, हम लोग खुद पब्लिक तो हमने कल पालन में रखे थे। आज के समय के लिए जो परसेंट वाइन शॉप के मालिक खुद यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखने के लिए खुद यहाँ पर अपने वाइन शॉप के बाहर खड़े। देख सकते हमारे कैमरे के माध्यम से एक लंबी कतार यहाँ पर दिख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल यहाँ पर किया जा रहा है। फिर हम चले गए दूसरे विधानसभा में अन्य वाइन शॉप की तरफ, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। कैमरा मैन हिरा पूजा के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, जेएमए न्यूज। तर दुसरी बातमी आहे, संभाजी ब्रिगेडनी काही शासनाकडे मागण्या केल्या आहेत, ते आपण पाहूया। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। लॉकडाउन पार्ट 3 का आज दूसरा दिन है। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 3 के दरमियान सारे मुंबई करों ने आम गरीबों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। उसी के तहत हमारा विशेष कार्यक्रम आइए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, कोई गरीब भूखा ना रह जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे साथ संभाजी ब्रिगेड के हजर पठान जी यहाँ पर हैं। हजर पठान जी, लॉकडाउन पार्ट 3 का आज दूसरा दिन है, संभाजी ब्रिगेड की तरफ से क्या योगदान रहा आम लोगों के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ। संभाजी ब्रिगेड की तरफ से और हमारा समाज सेवा के हिसाब से हमारा यही राय है कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोग्राम किए हैं उनको फ्री में, अपने गवर्नमेंट के फ्री में पैसे से भेजना चाहिए उनको, उनके कोई भी शुल्क लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जितने लोग जाना चाहते हैं उनको तातड़ी से भेजना चाहिए। मेरा सवाल संभाजी ब्रिगेड में, लॉकडाउन की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है आम लोगों तक क्या राहत पहुंचाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है। तो हमारे जैसे संभाजी ब्रिगेड के बहुत से कार्यकर्ता है जो अपना अपने एरिया में जो है, तो थोड़ा जितना अपने जितना लेवल पे जितना सहायता कर सकते उतना कर सकते, हर जगह कर रहे ले इसकी। तो हम लोग जहाँ भी जाते तो थोड़ा थोड़ा जो भी मदद करना है तो हर जगह कर रहे ले, मगर मैं जो जाता ये कोई हमारे एक संभाजी ब्रिगेड की थोड़ी मदद करने से कुछ होने वाला नहीं, इसको सरकार की ज्यादा से ज्यादा राशि और ये मदद होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो मुंबई के अंदर जो रिक्शा टैक्सी वाले जो है, मेन मकसद उनका है, एक तो रिक्शा का इंस्टॉलमेंट रुक रहा है, हमारा टैक्सी का रुक रहा है, बेचारे जो नवप्रांति ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे, रिक्शा ड्राइवर थे, वो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला, वो अपना कैसा पेट पालेगा, कैसा चलाएगा, उनके बारे में सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरा जहां तक सोचना है कि इनके बारे में इनका एक लाइसेंस या तो फिर परमिट लेके ने इनकी जांच करना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हमारी एक ऐसी मांग है, और जितने भी रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है बम्बई के अंदर, बेचारे गरीब रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, उनके गाड़ियां बंद है, उनके धंधे बंद है। माइक खोल दीजिए, माइक खोल दीजिए, अच्छे से बोल सकते हैं। तो इनके गाड़ी मोटर सब बंद है, रिक्शा बंद है, टैक्सी बंद है, तो ये बेचारे क्या खाएंगे और कहाँ जाएंगे, इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और गवर्नमेंट बोलते कि हम इतनी मदद दे रहे, तो ठीक है जो आप मदद दे रहे तो लाइट बिल क्यों नहीं माफ हो रहा है हमारा, हर महीने वो लाइट बिल आ रहा है।
बैंक का हफ्ता बैंक मैसेज कर रहे लिए हम जो भी चीज हम खरीद ले उसके तो हफ्ते चालू है, बंद नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि आपका जो किस्त है आपका इससे का जो आपको बोल वो भी माफ होना चाहिए। माफ होना चाहिए या उसको थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए? माफ तो होने जैसा नहीं है, कम से कम रियायत तो देना चाहिए और सब लोगों को रियायत देना चाहिए। उसके साथ में जो ड्राइवर लोग हैं, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनको मदद होना चाहिए, उनके बारे में सोचा जाए और जो लोग जाना चाहते हैं उनको अपने तरीके से गवर्नमेंट मदद करके ने उनको नो शुल्क लेते हुए उनको अपने गांव भेजना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आज गए तो कल आने नहीं देंगे, ऐसा भी चल रहा है। जरा सोचो जरा कि आज जो तुम्हारा आधार कार्ड फोटो जो ले रहे हैं ना, कल आने के टाइम में दो साल तो तुम्हारी फुर्सत है समझ लेगा। तो यहाँ के बम्बई के धंधे का, पुणे के धंधे का क्या होगा बाद में? जब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम तो ऐसे रह जाएंगे फिर हमारे पटेल। आपको बता दूँ ये एक अफवाह है, ये पूरी अफवाह है कि किस तरह का अफवाह फैलेगी कि मतलब जो लोग अगर अपने गाँव जाना चाहते हैं तो वो दो साल तक तीन साल तक नहीं आ सकते। आपकी जानकारी में बता दूँ बिल्कुल पूरी तरह से मेरा आधार आउट हो गया। ठीक है, आपसे जाना चाहता हूँ। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लोग जो प्रांति है जो अपने गांव जाना चाहते हैं, चाहे महाराष्ट्र के लोग हो, लातूर हो, सोलापुर हो, सांगली हो, उस्मानाबाद हो, वो लोग जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने उनसे एक शुल्क लागू किया जो अमूमन जो समान समय पर जो उनका किराया होता है वो वहाँ पे दिया जाए जो रेल नगर जाना चाहते हैं। हालांकि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं उनका पूरा का पूरा किराया खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है सोनिया गांधी जी का। जो भी उन्होंने निर्णय लिया है कि जो भी प्रांतीय है, जो भी बाहर जाना चाहता है, अपने गांव देहात जाना चाहता है, कांग्रेस अगर सोच रही है सोनिया गांधी कि इनका खर्चा हम उठाएंगे तो बहुत अच्छी सोच है। और इससे बढ़िया सोच क्या हो सकती है? और हम लोग जिसको बदनाम कर रहे वो तो है ही नहीं ऐसा। अब वो अपने पैसे से भेजना चाह रहे हैं कांग्रेस की, जो भी जाना चाहता है कि हम इनका खर्चा उठाएंगे और इनको इनके गांव तक पहुंचाएंगे। अब मोदी से आह्वान करना चाहेंगे, भारत सरकार से आह्वान करना चाहेंगे, केंद्र सरकार का आह्वान करना चाहेंगे कि जो यात्री अपने गांव जाना चाहते हैं उनको निःशुल्क यहाँ से अपने गाँव भेजा जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि अपने देश को बता दूँ कि कोरोना जब लागू हुआ था देश के अंदर तो हमारे जो लोग विदेशों में थे उनको निःशुल्क हवाई मार्ग से यहाँ पर भेजा गया था। अब जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं वो भी रेलवे से, उनको कहीं ना कहीं यात्रा की एक रकम मांगी जा रही है और उस पर पटाखे बहुत प्रतिक्रिया दे रही है कि उनको भी माफ किया जाना चाहिए। हाँ हाँ, मेरी सोच है केंद्र सरकार ने ऐसा जाहिर निकाला है जो भी जाना चाहता है उससे कोई शुल्क लिया नहीं जाए और जो भारत शासन भी वो उनके लिए मदद करना चाहिए कि फ्री फंड में उनको भेजना चाहिए अपने। पटाखे का आखिरी सवाल, लॉकडाउन दूसरा दिन है, शराब की दुकानें पूरी तरह खुल चुकी है, इसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? रमजान के महीने में शराब की दुकान खोली गई है, इससे आप क्या करना चाहिए? हम तो सोचते थे कि कम से कम इतना महीना तो बंद होना चाहिए था, जब तक लॉकडाउन है 17 तारीख तक का टाइम देना चाहिए था, जब तक बंद है तो बंद होना चाहिए था। इसमें क्या है, पुलिस प्रशासन को तकलीफ हो रही है, तो जहाँ भी लपड़े लोचे लपज होने वाले पीने का, तो मेरे हिसाब से प्रशासन को भी तकलीफ होगी, पुलिस को भी कंट्रोल करने में भारी गिरेगा और डॉक्टर लोगों पर बात नहीं, ऐसा ऐसा वो ये मगजमारी बढ़ेगी, कम नहीं होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा रुकना चाहिए था। पठान साहब का कहीं ना कहीं विरोध सारे विषयों पर है, केंद्र सरकार को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक आरोप लगाया हुआ है कि यात्रा की मुक्त की जाए और जो शराब की दुकान रमजान महीने में चालू की गई है ये बिल्कुल पूरी तरह से नहीं होना चाहिए, इसको तत्काल भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन हीरा पूजा के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा।